मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया है और ऐसे में राजकोषीय संस्थान प्रबंधन संस्थान के निदेशक हरीश्वर दयाल जी हमारे साथ हैं कि उनसे जानते हैं बजट में क्या कुछ है, बजट में क्या कुछ किन बातों पर फोकस किया गया। मुख्यतः पांच बातों पे सरकार का फोकस है इस बार। एक तो यह है कि गरीबी, कृषि में, कृषि के क्षेत्र में कृषि कृषकों की आय का को दुगना किया जाना, SC ST के लिए विशेष प्रावधान है, उनके लिए बजट में ज़्यादा आवंटन किया गया है, महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य किया गया है, पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कार्य किया गया है। तो कुल मिलाकर के अगर देखें तो फोकस इसका है गरीबी उन्मूलन और ऐसे क्षेत्र जो कि ऐसे क्षेत्र और ऐसे जो सेक्टर्स हैं जहां पर विकास पहले की तुलना में उतना अधिक नहीं है, उस पर ज़्यादा फोकस है। ये जो आदिवासी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री जी ने कही है कि प्रत्येक जिलों को 50-50 लाख रुपए दिए जाएंगे और उसके बाद जो उन जिलों में विकास के कार्य करने हैं कि 50 करोड़ के, तो उसमें क्या मतलब और किन योजनाओं पर फोकस करने की बात है? हाँ, जो पिछड़े क्षेत्रों हैं उन पर विकास, उनके विकास के लिए आवंटन किया गया है जैसे कि वो क्षेत्र जो विकसित जो जिले हैं उनके समकक्ष आ सके। सर, ये जो राजकोषीय घाटा है वो पिछली वर्ष की तुलना में क्या बढ़ा है या घटा है? नहीं, अनुमान है कि GSTP के रेशियो के रूप में वह कम होगा। मतलब कितना कम होगा? वह मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, 2.28% GSDP का होगा। कुल मिलाकर क्या कहा जाए इस बजट को? काफ़ी अच्छा बजट है, विकास के लिए जन मुद्दों से संबंधित, जन सरोकार से संबंधित चीज़ें इसमें लाई गई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ खास है इसमें? इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बढ़ाया गया है व्यय, तो इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। विकास के लिए विकास उन्मुखी बजट, झारखंड सरकार ने विकास उन्मुखी बजट पेश किया है, लेकिन जब ये धरातल पर उतरेगा तो किस तरह से झारखंड का विकास कर पाएगा ये समय तय कर पाएगा। सहयोगी धर्मेंद्र के साथ अशोक कुमार, APN रांची।